मुझे बता दो ना अभी पहले, तुम तो शांति ना होती जब बोलने लगती हो तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो बना रहे हैं इनके टॉपिक पे, तो इन्हीं का आज का जो है एक वो है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि गोवा में वेजिटेरियन का क्या स्कोप है, वेजिटेरियन लोग रह सकते हैं नहीं रह सकते, और कैसे मतलब मिलता भी है वेजिटेरियन या नहीं मिलता। हाँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल मुझे आते हैं कि हमें गोवा घूमने आना है और हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो क्या सीन है इधर का, या मतलब हमें सेटल होना है गोवा में और हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो मतलब कैसा रहेगा। तो दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा वेदर दिखाएंगे आपको। हाँ, वेदर आज बहुत अच्छा हो रखा है तो हम शाम में इवनिंग वॉक पे निकले हैं अभी। हाँ, और सोचा कि चलो घूमते घूमते वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि शाम में ना आजकल बहुत ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मस्त मौसम हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो पहले वेदर दिखा दूं आपको, ये देखो सूरज बिल्कुल बादलों के अंदर छिपा हुआ है और बिल्कुल मतलब धूप नहीं है और हवा बहुत ठंडी है आज, मतलब अच्छी हवा चल रही है, लग रहा है कि जैसे बरसात होने वाली होगी। पर हाँ, दो चार दिन से हो रहा है ऐसा। और यहाँ से दिखेगा अब सी व्यू, आज तो सी घर से भी दिख रहा था क्योंकि बादल जैसे होते हैं ना तो जब दिखता है वो सामने, यहाँ से सी दिख रहा है ऊपर से दूर तक। हाँ, तो ये मतलब शाम में यहाँ पे आके ना बड़ा रिलैक्स फील होता है, सारी थकान जितनी होती है दूर हो जाती है यहाँ पे एक घंटा घूमने के बाद में। और सी में शिप भी चल रहे हैं कुछ, शिप नहीं है छोटी बोट। हाँ, जा रही है वो, वैसे तो दिख रही है कैमरा में, नहीं दिखेगी वो। और ये इधर की तरफ वही होटल जो 5 स्टार, इसकी जो है अगर बना हुआ दिखाऊं तो वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये देखो आप इधर से एक ही डिजाइन में सारी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जो रोड है ना ये हमारा फेवरेट रोड हो गया है, मतलब हम घूमने इस पे आते हैं, मॉर्निंग वॉक इस पे करने आते हैं, इवनिंग में हम इस पे आ जाते हैं घूमते हुए। और ये चीज़ देख के ना बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे कि इस तरह के डिज़ाइन में भी होटल्स बनते थे। और हाँ, यूजुअली हम मूवीज़ में देखते थे ऐसी चीज़ें, तो वो रियल में देखने को मिल रही हैं। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। मोनिका, बताओ क्या कहना है आपका, वेजिटेरियन हो या के नॉन वेजिटेरियन? मैं तो दोनों खाती हूँ। और अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूँ तो मैं दो तरीके से बताती हूँ। सपोज आप घूमने आ रहे हो, तो घूमने जब आप आते हो तो मतलब आप उतना कुक करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि जैसे बाहर ही खा लिया जाए, क्योंकि वही आप उस मूड में आते हो कि लाइक नहीं कुक करने के झंझट में नहीं पड़ना। हाँ, तो उस वे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ना यूजुअली तो बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होते थे जो इस साल नहीं खुले हैं। और जैसे उसमें ना एक तो उडुपी करके होता था। हाँ, उडुपी कुछ ऐसा उसका प्रोनंसिएशन होता है, वो मुझे अच्छे से नहीं पता। और नवतारा तो अभी भी है, वो मडगांव पे है। और यहाँ भी एक आसपास में होता था, वो भी इस साल खुला नहीं है। और अगर जैसे मैं इधर की बात करूं अगोंडा पालोलम की, तो यहाँ पे एक है पालोलम के पास है, वो प्योर वेजिटेरियन है, तो मतलब वहाँ पे भी जाके आप खा सकते हो। और अगर आपको ऐसा चलेगा कि मतलब होटल कैसा भी हो आपको वेजिटेरियन चाहिए तो ऐसे तो सब जगह मिल जाएगा। हाँ, वेजिटेरियन फूड हर एक पे मिल जाएगा, मिलेगा हर जगह, मतलब हर रेस्टोरेंट पे, हर बीच शैक पे, सब जगह वेजिटेरियन फूड मिलेगा। हाँ, पर अगर आप पर्टिकुलर हो कि नहीं वहाँ पे सिर्फ वेज ही बनना चाहिए जहाँ से मुझे लेना है, तो ऐसे थोड़े ऑप्शंस कम हैं, मतलब ऐसा उतने फ्रीक्वेंट नहीं है कि जो प्योर वेजिटेरियन है। तो एक तो चीज़ हो गई ये। अब हम बताते हैं, मैं बताता हूँ हम घर पे क्या खाते हैं स्पेशली। हाँ, पता क्या होता है, हमने जब स्टार्टिंग में आए तो हमें 2 हफ्ते बहुत परेशानी हुई, हमें डेली फिश मिलती थी या फिर बस यहाँ पे चिकन विकन, तो खैर चलो फिर भी ठीक है, फिश बहुत ज़्यादा मिलती थी। हाँ, या प्रॉन्स ये सब चीज़ें मिलती थी और हमें ये नहीं पता था सब्जी लेके कहाँ से आनी है, क्योंकि उस टाइम पे हमें कुछ आइडिया नहीं था यहाँ का, तो परेशान हो गए कई बार। तो हमारा ये मन करता था कि यार आज खाना नहीं खाते क्योंकि हमें फ्रूट्स खा लेते हैं, क्योंकि हमें ना नॉन वेज नहीं खाना होता उस दिन, एक दो दिन में उब जाते थे हम। तो जब उब गए बहुत बुरी तरह से हम,
तो फिर हमने क्या किया कि फ्रूट्स वगैरह खाने स्टार्ट किए, फिर थोड़ा घूमे तो हमें सब्जियां वगैरह पता चली कि कहाँ पे मिलती हैं। डॉक्टर जूड ने हमें बताया कि कहाँ से सब्जी आप खरीद सकते हो सस्ते में। और लकीली हमारे जहाँ से हम यूजली ग्रोसरी या मतलब दूध वगैरह ये सुबह का सामान खरीदते हैं, दूध अंडा ब्रेड ये सो, तो उसके जस्ट साइड में एक नई दुकान खुली सब्जी की, उसके पास सब्जी भी बहुत सस्ती मिलती है, फ्रेश है और फ्रेश मिलती है। तो मतलब वो कर्नाटका से लेके आते हैं, बेलगांव से लेके आते हैं वो सब्जी, पर मिलती फ्रेश है उनके पास और सारी सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आप दिल्ली को मिस नहीं करोगे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और ऐसा ही ना बाद में अभी हमें पता चला कि यहाँ पे जो पास में है कानपुर, मतलब चावड़ी आप उसे कह सकते हो, वहाँ पे एक वीकली बाजार भी लगता है सब्जियों का सैटरडे। वैसे हमने खरीदी अभी तक नहीं है, पर जैसे एक बार उसके बीच से निकले थे तो काफ़ी सब्जियों के ऑप्शन थे वहाँ पे। तो अब धीरे धीरे ना चीज़ें पता लगने लग गई हैं। कहाँ घूम रहा मुझे बता दो ना अभी, पहले तुम तो शांति ना होती जब बोलने लगती हो तो। अरे मजाक कर रहा हूँ, नाराज हो गई। मतलब बोलना शुरू करती है तो फिर वो मेरा ताला लग जाता है। मैं ये बोलना चाह रहा था, मतलब हम नॉन वेजिटेरियन है बट ये नहीं है कि हम डेली नॉन वेज खा सकते हैं। हाँ, हमारा वो नहीं हो पाता हमसे, हमें मतलब वीक में एक दिन एक चलता, दिन है। नॉन वेज चलता सिर्फ। एक या दो दिन चल जाता है बस हार्डली, बट बाकी के दिन हमें ना वेजिटेरियन ही चाहिए, मतलब वेज ही चाहिए। दाल वाल तो स्टार्टिंग में दाल वाल का भी हमें नहीं पता था कहाँ से लानी है, अब तो हम जाते हैं चावड़ी से वो बगायतदार अपना बाजार जिंदाबाद, वहाँ से ले आते हैं। तो अब मोनिका बताना चाह रही थी, यहाँ कुछ अब बोलो, मैंने काट दिया था बीच में इसलिए झगड़ा करने लगी। बीच में कुछ और बात घुस गई, बात ये थी कि जो लोग जैसे आप वेकेशन पे आए हो, तो कई बार ना वेकेशन पे अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ना तो आप होम स्टे लो जिसमें किचन हो, तो थोड़ा बहुत आप काम चलाओ, कुछ घर पे पका सकते हो जैसे ब्रेकफास्ट और बाकी लंच का भी ब्रंच कर लो आप, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिक्स करके, और डिनर कहीं बाहर कर लो, तो ये भी ऑप्शन एक अच्छा हो सकता है। और अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इधर मेरे पास लाइव एग्जांपल है, हमने ना एक वीडियो बनाया था सियोना बार एंड रेस्टोरेंट पालोलम पे, तो वो सर्व सब कुछ करते हैं बट दे आर प्योर वेजिटेरियन, और कितने सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली से हैं, जबकि वो दिल्ली से हैं, गोवा में रह रहे हैं बहुत सालों से, स्टिल दे आर प्योर वेजिटेरियन और मस्त सर्वाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो रहने में अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इधर, क्योंकि फिर तो आप खुद से कुक कर सकते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये देखो आसमान में ऊपर पक्षी कितने अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए। और एक नया टॉपिक भी दिमाग में आया है, मे बी हम कल वो डिस्कस करेंगे कि गोवा में अगर आप शिफ्ट होना चाह रहे हो तो लाइफ कैसी रहेगी, और अगर आप क्या क्या सोच लेके आ रहे हो तो आपको गोवा में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक ना डिफरेंट रखेंगे, बिल्कुल एक अलग से अलग, क्योंकि इसमें मैं वो मिक्स नहीं करना चाह रही हूँ, ये टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगी, जो जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं अभी तक उनके हिसाब से। तो मुझे तो इतना ही बताना था, आपको कुछ बताना था? भूल गया, तो नहीं भूल गया, मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको वेदर का, आजकल वेदर कैसा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं जैसे क्या कि गोवा में वेदर कैसा है, गोवा में अभी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो इस टाइम पे देखो आप अगर गोवा में आ रहे हो, आप बिल्कुल एकदम बीच के साइड स्टे कर रहे हो, वो देखो पागल हो गई उधर घूमने लगी है, तो बीच के साइड अगर स्टे कर रहे हो तो आपको एसी रूम की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप थोड़ा दूर एक दो किलोमीटर दूर स्टे कर रहे हो तो आप फ़ैन के साथ भी रह सकते हो, क्योंकि मैं खुद फ़ैन के साथ रह रहा हूँ और मुझे दिक्कत नहीं हो रही। और मेन चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है यहाँ पे, मतलब अभी एटलीस्ट हम ना फ़ैन के साथ में अब हैबिचुअल हो गए हैं, अब हमें ये ज़रूरत नहीं लगती कि एसी होना ही चाहिए घर में। नहीं, अभी फैन एक या दो दिन, हाँ तीन दिन पीछे गर्मी पड़ी थी जो ज़्यादा थी, उसमें हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन अभी 5-6 दिन से बड़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और उस बीच में क्या है, बिल्कुल भी मतलब लगता नहीं है कि हाँ ज़रूरत है एसी की। सो गाइज ये था आज का व्लॉग, एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।